बंगाल में भी बाढ़ के हालात, जलपाईगुड़ी और बानरहाट में भारी बारिश से करीब 10,000 परिवार प्रभावित। असम में भारी बारिश, बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत, राज्य के 5 जिलों के करीब 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश, मुंज में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार के अररिया में नदियां उफान पर, यूपी के सीतापुर में भी तेज बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल मैनेजमेंट का अजीबोगरीब फरमान, छात्राओं को सफेद रंग या स्किन कलर के इनरवियर्स पहनने को कहा। स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट्स को नियम को अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए स्कूल डायरी में साइन करने को कहा, पेरेंट्स की शिकायत पर जांच के आदेश। किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, एक साथ खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, कैबिनेट की मंजूरी। धान के समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा 200 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा, किसानों को 1550 की बजाय 1750 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि किसानों को सरकार ने लागत की 1.5 गुना MSP देने का वादा पूरा किया, सभी किसान भाई बहनों को बधाई। अमित शाह ने कहा, आजादी के बाद पहली बार किसानों की मांग पूरी हुई है, करोड़ों किसानों की तरफ से पीएम मोदी और सरकार को बधाइयां। खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार चुनावी साल में किसानों पर आंकड़ेबाजी कर रही है। आज आगरा में अमित शाह का कार्यक्रम, स्वागत में पार्टी ने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवाए, 2019 को लेकर जनता की नब्ज टटोलेंगे शाह। मिशन 2019 के लिए यूपी में बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स पर, वाराणसी में अमित शाह ने साइबर योद्धाओं को दिए टारगेट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज अमरनाथ जाएंगे, सुबह 10 बजे पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी लेंगे। अमेठी दौरे पर गए राहुल गांधी का RSS पर बड़ा हमला, बोला, कहा, संघ के नेता महात्मा गांधी की बात करते हैं लेकिन गुडसे को अपना आदर्श मानते हैं। राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद और बुलेट, बोले PM राज, मोदी के राज में बुलेट ट्रेन कभी नहीं बनेगी। शशि थरूर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर आज आ सकता है फैसला, कल सुनवाई के बाद पटेल हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की भर्ती से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, पुलिस के जवानों पर फैसले लागू होंगे। दुबई की विमान कंपनी एमिरेट्स ने हिंदू भोजन को बंद करने का फैसला वापस लिया, सोशल मीडिया पर फैसले की आलोचना हुई थी। IT मंत्रालय को व्हाट्सएप ने भेजा जवाब, कहा, अफवाह पर रोक के लिए ऐप की सेटिंग में बदलाव किया जा रहा है। CBSE पेपर लीक मामले में दिल्ली से एक और गिरफ्तारी, बवाना से एक स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी में हुए 11 मौत का 11 से कनेक्शन, 11 साल से ललित अपने पिता की आवाज में बात कर रहा था, घर से मिले 11 रजिस्टर, 11 रहस्यमय पाई। दिल्ली में 11 लोगों की मौत के मामले में नया CCTV वीडियो सामने आया, वीडियो में भाटिया परिवार की नीतू और उसकी माँ स्टूल लेकर जाते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली के सरायकालिका इलाके में मिला 16 साल की लड़की का शव, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। अफगानिस्तान में आतंकी हमले में मारे गए सिखों को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई, महावीर नगर गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सुखबीर बादल। मुंबई के ट्रांस हार्बर रूट पर ट्रैक मरम्मत के बाद लोकल ट्रेन सर्विस बहाल, ट्रैक में दरार की वजह से बुधवार दोपहर रोकी गई थी ठाणे एरोली के बीच सेवा। महाराष्ट्र के ठाणे जेल प्रशासन को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, विधायक रमेश कदम ने एक कैदी के साथ मारपीट, अमानवीय सुलूक की शिकायत की थी। शिरडी के साईं बाबा संस्थान को पिछले साल के मुकाबले 140 करोड़ रुपए ज्यादा चढ़ावा मिला, पिछले साल के 210 करोड़ की जगह इस साल 350 करोड़ रुपए मिले। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सभी 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ी, अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का आदेश। मुंबई के पास रायगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की, वजहों का खुलासा नहीं, सभी जिला अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्राइमरी टीचर के स्कूल में सोने की तस्वीर का वायरल होने की, ये तस्वीर वीडियो में टीचर बच्चे को खेलने भेज खुद आराम फरमाते दिख रहे हैं। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में मॉक ड्रिल, दिल्ली पुलिस NSD NDRF के 500 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सांप के पेट से 9 अंडे निकलवाने का वीडियो सामने आया, 2 मुर्गियों को डसने के बाद सांप ने अंडे निकल लिए थे। गुजरात के द्वारका में डिटर्जेंट कंपनी की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, वजहों का खुलासा नहीं। यूपी के बिजनौर में जमीन विवाद में बुजुर्ग के रिश्तेदारों ने पिटाई की, एक महिला और युवक ने जूते चप्पलों से पीटा। आगरा में बीच सड़क पर SSP अमित पाठक और वकील में नोकझोंक, बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे युवक का पक्ष ले रहे थे वकील। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारे के बाहर एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के लोगों पर आरोप लगा है। नोएडा के सेक्टर 58 में चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, मौके से बाइक और पिस्तल बरामद।
यूपी के पीलीभीत में युवक पर तेजाब फेंककर महिला फरार, मुकदमे में समझौते का दावा बनाने की कोशिश, पिचकारी से फेंका तेजाब। दिल्ली के मंडावली में बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, नशे की लत वजह बनी। नवी मुंबई में दो बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग, दो युवक की गोली लगने से मौत हो गई। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश की जा रही है। गुड़गांव में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोर, 12 लड़कियां और 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़ी गई लड़कियों में 5 थाईलैंड की हैं, 5 मणिपुर की और 1 यूपी की रहने वाली है। साउथ अफ्रीका में चल रहे वर्ल्ड सर्फ लीग के दौरान शार्क को देखा गया, करीब 10 फीट लंबा था शार्क, टूर्नामेंट रद्द किया गया। चुड़िया का फर्स्ट पोस्टर जारी, चंबल के डकैत के रोल में सुशांत।